आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस घर में मैं रहता हूँ और मैं आप लोगों को बहुत दिनों से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको डिग्री पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम दो तरह से है और कैंडिडेट भी इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि सर, जब हम डिग्री पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यूजर आईडी अर्थात अपना रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं, जब फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है तो ऑलरेडी सबमिटेड दिखाता है, तो ये इसका क्या सॉल्यूशन होगा? और साथ में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो पेमेंट कटा देते हैं और उनको उनके बाद फोटो और सिग्नेचर देखने को नहीं मिलता है, जबकि वे फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए रहते हैं, तो क्या उनका टेक्निकल इशू है या नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा लाइट ऑन करूँगा, और देखिए आज हमारे घर में लाइट नहीं है और रात से ही नहीं है क्योंकि बहुत तेज से बारिश आंधी तूफान के साथ हुआ है, ठीक है। और मेरा घर का जो इन्वर्टर है वो भी रात में ही डाउन हो गया क्योंकि सवेरे ही बारिश होना शुरू हो गया था, तो आज हम लोग अंधेरे में हैं और मैं अपने घर का लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद जो आप लोगों का सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। मैं थोड़ा लाइट ऑन करता हूँ और देख लीजिए मैं इसी घर में रहता हूँ। देखिए किस हिसाब से घर है और इस घर में रहना पड़ता है। आप लोग बताइएगा कि ये कैसा घर है, और अगर आप लोग इस घर को समझ पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मानिएगा इस घर में मैं रहता हूँ, वो माला घर था, ठीक है, और ये इस घर में मैं रहता हूँ। घर देख लीजिए, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, हालांकि ये एसी डीसी बल्ब जल रहा है, लाइट रियल में नहीं है, ठीक है, और एसी डीसी बल्ब के सहारे मैं आप लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। और चलिए अब हम आप लोगों का जो सवाल है उसका जवाब दे देते हैं। सबसे पहला सवाल कि रोल नंबर और मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जब डिग्री पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पे योर फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड दिखाता है, तो देखिए आप इससे घबराइएगा नहीं, अगर ऑलरेडी सबमिटेड दिखाता है तो आप एक बार पेमेंट पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट अवश्य कराइएगा, ठीक है, और न तो दो चार दिन वेट कर लीजिए। इससे संबंधित कोई नई सूचना आएगा तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोगों को अगर फॉर्म लॉगिन हो रहा है तो आप लोग जब पेमेंट कटाइएगा ना, तो वो फॉर्म आपका है या दूसरे का है, आपके नाम से आपका नाम दिखाई देगा, आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगा और आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, तो आप लोग समझ जाएगा कि यह मेरा ही फॉर्म है, तो उसी नाम से आप लोग पेमेंट जरूर कटा दीजिएगा और प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, नज़दीकी से अगर कैप में जा करके या जहाँ भी हो वहाँ से आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, और देखिएगा कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोगों को अपने महाविद्यालय में जा करके फ़ोटो और सिग्नेचर लगवा लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं शो हो रहा है और रियल में वो दिए हैं, ठीक है, डाले हैं फ़ोटो और सिग्नेचर, फिर भी शो नहीं हो रहा है, तो उनको भी घबराना नहीं है। मेरे पास भी एक कैंडिडेट का ऐसा इशू हुआ है, जब मैंने फॉर्म भरा तो उनका फ़ोटो और सिग्नेचर मैं अपलोड किया, लेकिन जब पेमेंट कटाने के बाद उनका जो प्रिंट निकाला तो उसमें उनका फ़ोटो और सिग्नेचर देखने को नहीं मिलता है, और आपका नहीं, बहुत से कैंडिडेट हमारे चैनल पर कमेंट किए हैं, सभी को इस प्रकार के प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम से आप लोगों को घबराना नहीं है, यह टेक्निकल इशू है और यह बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जो प्रिंट निकला है उसी प्रिंट को लेकर के महाविद्यालय में जमा कर दीजिएगा, और हो सकता है कि आपको फोटो मांगे और सिग्नेचर करने के लिए कहे, तो आप फोटो और सिग्नेचर फोटो लेकर के अवश्य जाइएगा और सिग्नेचर आपके पास ही रहेगा क्योंकि आप साइन करिएगा, तो वो चीज आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। हमारे सब्सक्राइबर पूछे थे कि सर, हम आपके वीडियो बहुत दिन से देखते हैं लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो वही मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।